पूरे देश में आखिरी दौर का मतदान आज है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट जिस पे पूरे देश की नज़र लगी हुई है वो वाराणसी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वक्त मैं रमाकांत सेवा संस्थान में हूं, जहां पे नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे अजय राय वोट डालने के लिए कुछ देर के बाद आने वाले हैं। वो सूची जिसमें सभी प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले नंबर पर आप देखिए अजय राय का नाम और उनकी तस्वीर लगी हुई है और दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और उनका पता अभी भी अहमदाबाद का ही है और तीसरे नंबर पे शालिनी यादव जो कि समाजवादी पार्टी यानी कि महागठबंधन से प्रत्याशी हैं वो हैं। बाकी कुल काफ़ी प्रत्याशियों के नाम हैं जिसमें कई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग वोट डालने के लिए आए हुए हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी आने का। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा आपके नज़र में क्या है? इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा देश का विकास और राष्ट्रवाद है। तो देश का विकास और राष्ट्रवाद की बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ही करती है। हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को देश के विकास के बारे में और देश के राष्ट्रवाद के बारे में सोचना चाहिए, करना चाहिए, बात करना चाहिए। मतलब तो अपना मतदान देने से पहले लोगों के मन में ये बात है कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा है और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही वोट करना है। एकदम वास्तव में ये मुद्दा है और देश की सुरक्षा के साथ साथ देश का चौमुखी विकास भी होना चाहिए। यानी कि आपने देखा कि जिस जगह पे अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी वोट डालने आएंगे वहाँ के मतदाता राष्ट्रवाद को ही सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं और उसी आधार पर वो वोट करेंगे। अभी मतदान शुरू होने वाले कुछ ही वक्त है और मतदान शुरू होने के बाद यहाँ पे भारी भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि आसपास का ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि काम करने वाले हैं, सरकारी ऑफिस में, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने इस बात का ध्यान रखा है कि जब भी वोटिंग का दिन आता है वो छुट्टी का दिन होता है, रविवार का दिन होता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ रमन कुमार, वाराणसी, न्यूज़ 24।